हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है जिससे प्रभावित व्यक्ति के शरीर में रक्त जमने की क्षमता नहीं के बराबर हो जाती है, जिसके कारण प्रभावित व्यक्ति को बाहरी और अंदरूनी चोट लगने से खून का बहना कम नहीं होता। इस बीमारी से सचेत रहने के लिए कुछ उपाय डॉक्टर अशोक दुबे ने रायपुर प्रेस क्लब में बताए। एक स्वास्थ्य सर्वे के हिसाब से भारतवर्ष में 66,000 लोगों को हीमोफीलिया बीमारी है। यह बीमारी आमतौर पर पुरुषों को होती है। यह बीमारी औरतों द्वारा फैलती है। इस बीमारी के दुष्प्रभाव को देखते हुए रायपुर में सोसाइटी का गठन किया गया। डॉक्टर अशोक दुबे ने कहा कि वो खुद इस बीमारी से पीड़ित है। यह बीमारी मुझे विरासत में मिली है। यह अधिकतर पुरुषों को ही होती है। इस रोग में रोगी के शरीर के किसी भी हिस्से में जरा सी चोट लग जाने पर अत्यधिक मात्रा में खून निकलता है और मृत्यु तक हो जाती है। मेरे को खुद हीमोफीलिया की बीमारी है और पूरे छत्तीसगढ़ में फैक्टर 8 या फैक्टर 9 उपलब्ध नहीं है। हम चाहते हैं कि शासन के द्वारा फैक्टर 8 और फैक्टर 9 पूरे मेडिकल कॉलेज में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध मरीजों को कराया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसका ट्रीटमेंट भी उपलब्ध कराया जाए। साथ में फिजियोथेरेपिस्ट हों, डॉक्टर्स हों जिनको इसके बारे में पूरी जानकारी हो। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिससे जान तक चली जाती है। छत्तीसगढ़ में भी इससे पीड़ित लगभग 600 लोग हैं। समाज सेवक रामकुमार शुक्ला ने कहा कि इस रोग से ग्रसित लोगों की सहायता के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को भी ज्ञापन दिया गया और छत्तीसगढ़ में पीड़ितों के निशुल्क इलाज की व्यवस्था की जाए। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो हाई कोर्ट में जनहित में याचिका दायर की जाएगी। अनुवांशिक बीमारी है जो ब्लड रिलेटेड है, खून से संबंधित बीमारी है, और जो हेमेटोलॉजी से संबंधित व्यक्ति हैं वो इसके संबंध में जानते हैं। यहाँ के बहुत से डॉक्टर्स जो हैं उन्हें भी इस बात की जानकारी है नहीं। इसमें क्या है कि खून का रिसाव होता है, अगर कोई चोट लग जाती है तो खून बंद नहीं होता है, क्लॉटिंग नहीं होती, और ऐसी स्थिति में कई बार पेशेंट्स जो भी इससे सफ़र जो भी हैं उनको जान से हाथ धोना पड़ता है। हम लोगों ने जब इस बीमारी के बारे में पढ़ा जाना तो सीनियर सिटीज़न वेलफेयर फोरम हमारा एक्टिव हुआ इस पे, और उन्होंने शासन के पास जाके गुहार लगाई कि इसका एक ही इलाज है फैक्टर, मार्केट में उसकी कास्ट बच्चों को अगर लगाते हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपये आती है, बड़ों को लगाते हैं तो कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये आती है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में कि जहाँ जहाँ इसके मरीज हैं इसको फ्री ऑफ कास्ट उनको लगाया जाए। हीमोफीलिया अनुवांशिक ऐसी बीमारी होती है जिससे जान भी जा सकती है। आपको बता दें कि यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है जिससे खून में थक्का तुरंत जम जाता है। देश टीवी के लिए संतोष साहू के साथ निखिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।